ऐसा पुलिस ने ना तो मना किया था ना तो एक्सेप्ट किया था। पुलिस ने सिर्फ ये कहा कि उत्तम त्रिवेदी ना तो नामजद है ना अभी वांछित है। अब विवेचना में क्षण प्रति क्षण चीजें बदलती रहती हैं। विवेचना के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी को भी ना तो फंसाया जाएगा ना तो छोड़ा जाएगा। आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर राहुल तिवारी कहाँ है उसका कोई पता नहीं चल रहा। नहीं, राहुल तिवारी यहाँ पर मौजूद है, वो पुलिस से मिल चुका है जो उस केस का वादी है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर की रिपोर्ट आई, क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रेस में डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। घर वाले चाहेंगे नियमानुसार उसकी कॉपी लेंगे और विवेचना में उसको शामिल किया जाएगा। इसके बारे में SIT का गठन शासन के द्वारा किया जा चुका है, जिसका बहुत ही बड़ा वृहद दायरा है। आगे की कार्रवाई SIT करेगी। ठीक है।